राजद के बगहा युवा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में कमर तोड़ महंगाई के विरुद्ध परसौनी चौक पर किया गया विरोध प्रदर्शन। न्यूज 9 टाइम्स, पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्र व राज्य सरकार को चेताया, महंगाई कम नहीं हुई तो सड़क से सदन तक राजद करेगी आंदोलन। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ रविवार को पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत NH-727 मुख्य मार्ग के परसौनी चौक में विरोध प्रदर्शन किया। राजद के बगहा पुलिस जिला के युवा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में डीजल पेट्रोल लेकर केंद्र के मोदी सरकार एवं सूबे की सरकार का विरोध किया। राजद के युवा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में कमर तोड़ महंगाई है। डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम जन त्रस्त है। पूर्व की सरकार में जहां डीजल 60 रुपए व 70 रुपए व रसोई गैस 425 रुपए थी, लेकिन सबके साथ सबका विकास करने वाली केंद्र व राज्य सरकार ने गरीबों और किसानों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हिटलर शाही कर लोगों का शोषण कर रही है। सरकार को चेताया कि महंगाई कम नहीं हुई तो कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन पर उतारू होंगे। राजद नेता अनिल यादव ने कहा कि अनाज, बिजली, पानी के दामों में सरकार बेतहाशा वृद्धि से लोग परेशान हैं, तथा पीएम व सीएम का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर अनिल यादव, जिला उपाध्यक्ष कोनैन आलम, अखिलेश यादव, रामराज पासवान, सुजित धीरज, बलिराम कुशवाहा, देवमुनि राय, विजय यादव, धनंजय, रघु खरवार सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। न्यूज 9 टाइम्स। मानी दिन प्रतिदिन करती जा रही है। हम लोग अपने नेता प्रतिपक्ष जी के दिशा निर्देश पर, आह्वान पर आज हम लोग बगहा पुलिस जिला एकत्रित होकर, थोड़ा पूरे कार्यकर्ता एकत्रित होकर आज हम लोग जोशो रोष में, अब बहुत आक्रोश में यहाँ पर हम लोग पुतला दहन का काम कर रहे हैं। इस महंगाई को किसको दोषी माना चाहते हैं? किसको? इस महंगाई को केंद्र सरकार दोषी है। इस महंगाई की हम, ये नीतीश कुमार दोषी हैं। आज तक हम लोग को भी इतना उम्र हुआ, हम लोग के भी गार्जियन हुए, उनका भी कहना है ये कि आज तक ऐसा महंगाई हम लोग नहीं देखे हैं। आज बताइए पेट्रोल डीजल का, जो हम लोग किसान है, किसान के भी बुरी हाल है। अभी देख रहे हैं बहुत किसान गुजर गए इसी महंगाई को लेकर। ये जो डीजल बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, और नौकरी जो बेरोजगारी की भी समस्या है। इस सरकार में एक ही मुद्दा है, सरकार में जनता बेहाल है, और ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता